dear children heartiest welcome in english class how are you hope that all of you are well and safe at your home today we read chapter 7 that is channi of your book that is an alien hand dear children these are expected learning outcomes which will be achieved by us after understanding this chapter i divided this chapter in three parts for explanation

प्यार करते थे लेकिन वे उन्हें एक एक करके छोड़कर चली जाती थी ही बॉट ए यंग प्रिटी गॉट एंड कॉल्ड हर चांदनी उन्होंने एक सुंदर बकरी खरीदी और उसे चांदनी कहा लेट्स रीड द चैप्टर वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोरा एक बार की बात है अल्मोड़ा में एक बूढ़ा आदमी रहता था ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान उन्हें अबू खान के नाम से जाना जाता था ऑल एलॉन एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू गॉड्स विच ही बकरियों को छोड़कर बिल्कुल अकेले रहते थे जिन्हें वह हमेशा पालतू जानवर के रूप में रखते थे ही गेव हिज गॉड्स फनी नेम्स सचैस कलुआ मूंगिया और गुजरी उन्होंने अपनी बकरियों को कलुआ मूंगिया या गुजरी जैसे मजाकिया नाम दिए ही वुड टेक दम आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे एंड टॉक टू दैम एज वन टॉक्स टू वंस ओन चिल्ड्रन एट नाइट ही वुड ब्रिंग दैम बैक टू हिज लिटल हट एंड पुट इज स्ट्रिंग राउंड द नेक ऑफ ईच गॉट वह उन्हें दिन में चराने के लिए बाहर ले जाते और उनसे बातें करते जैसे कोई अपने बच्चों से बात करता है रात को वह उन्हें वापस अपनी छोटी कुटिया में ले आते और एक एक बकरी के गले में एक डोरी बांधते पर अबू खान वॉज ए लिटल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गॉड्स बेचारे अबू खान अपनी बकरियों के मामले में थोड़ा बदकिस्मत थे वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गॉड्स वुड पुल एंड पुल एट स्ट्रिंग इट ब्रोक लूज एंड देन वु डिस हिल्स बियॉन्ड बहुत बार रात में बकरियों में से कोई एक रस्सी को तब तक खींचती और खींचती है जब तक कि वह ढीली ना हो जाए और फिर आगे की पहाड़ियों में गायब हो जाए इन हिली रीजन हेट बीग टाइड टू ट्रीज और पोल्स पहाड़ी क्षेत्रों में बकरियों को पेड़ों या डंडों में बंधना पसंद नहीं है दे लव their फ्रीडम वे अपनी स्वतंत्रता से प्यार करती हैं अबू खान गॉट व बेस्ट हिल ब्रीड अबू खान की बकरियां सबसे अच्छी पहाड़ी नस्ल की थी they too loved देयर फ्रीडम वे भी अपनी स्वतंत्रता से प्यार करती थी सो वेन एवर दे गॉट द चांस दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड an एन ओल्ड वुल्फ हु लिव्ड इन hills. इसलिए जब भी उन्हें मौका मिलता वे केवल पहाड़ियों में रहने वाले एक बूढ़े बेड़िए द्वारा मारे जाने के लिए भाग जाते वेन एवर वन ऑफ हिज गॉड्स डिस अबू खान वॉज वेरी सैड जब भी उनकी एक बकरी गायब होती अबू खान बहुत दुखी होते थे ही डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई इवन द जूसीएस्ट ग्रास एंड ग्रेन्स दैट ही गेव दम एंड ऑल द लव दैट ही शॉर्ड ऑन देम वुड नॉट स्टॉप दीज अनफॉर्चुनेट गॉड्स फ्रॉम रनिंग स्ट्रीट इंटू द जॉज ऑफ डेथ उन्हें यह समझ में नहीं आया कि क्यों सबसे रसीली घास और अनाज जो उन्होंने उन्हें दी थी और उन पर जो भी उन्होंने प्यार बरसाया था वह इन दुर्भाग्यपूर्ण बकरियों को सीधे जबड़े में मौत के मुंह में जाने से नहीं रोक पाया आर दीज गॉड्स मैट ही ये बकरिया पागल हैं उन्होंने सोचा या यह उनका आजादी का प्यार था लेकिन आजादी का मतलब था संघर्ष कठिनाई यहां तक की मौत भी अबू खान कुडंट सॉल्व द मिस्ट्री अबू खान रहस्य नहीं सुलझा सके

कुछ और साल जीवित रह सकता हूं लेकिन मैं बकरियों के बिना रहूंगा हाउ एवर द पुअर ओल्ड मैन वॉज टेरिबली लॉनली हालांकि बेचारा बूढ़ा बहुत अकेला था ही सिंपली कूडंट डू विदाउट हिज पेट्स वह बस अपने पालतू जानवरों के बिना नहीं रह सकते थे वेरी सुन ही बॉट ए यंग गॉट बहुत जल्द उन्होंने एक जवान बकरी खरीद ली ही थाट आई यंग गॉट विल स्टे विद मी मच लॉन्गर उन्होंने सोचा एक बकरी का बच्चा मेरे साथ अधिक समय तक रहेगा शी विल सून बिगिन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गिव हर एवरी डे वह जल्द ही मुझसे प्यार करने लगेगी और साथ ही उस खाने से जो मैं उसे हर दिन दूंगा शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू दिल्स वह कभी भी पहाड़ियों में नहीं जाना चाहेगी एंड ही लाफ्ट विद जॉय और वह खुशी से हंस पड़े द न्यू गॉट वॉज वेरी प्रिटी नई बकरी बहुत सुंदर थी वॉज वाइट एज स्नो एंड हैड टू लिटल हॉर्न्स ऑन हर लिटल हेड एंड अ पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइस वह बर्फ की तरह सफेद थी और उसके छोटे सिर पर दो छोटे सींग थे और एक जोड़ी चमकदार लाल आंखें थी शी हैड ए फ्रेंडली टेम्परमेंट एंड वुड लिसन टू अबू खान्स विद ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन वह एक मिलनसार स्वभाव की थी और अबू खान की कहानियों को बहुत रुचि और स्नेह से सुनती थी अबू खान कॉल्ड हर चांदनी विच मीन्स मून लाइट अबू खान ने उसे चांदनी कहा जिसका अर्थ है चांद की रोशनी ही लव्ड चांदनी एंड वुड निरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स डेड एंड गॉन वह चांदनी से प्यार करते थे और उसे अपने सभी दोस्तों की कहानियां सुनाते थे जो मर गए और चले गए सेवरल ईयर्स पास्ट चांदनी वाज स्टिल देयर कई साल बीत गए चांदनी अभी भी वहीं थी अबू खान बिलीव दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड अबू खान का मानना था कि चांदनी अपने परिसर को बाहर की पहाड़ियों की खुली और ताजी हवा के लिए कभी नहीं छोड़ेगी एलास ही वॉज मिस्टेकन अगेन काश वह फिर से गलत थे डियर चिल्ड्रन दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल Dear children, there is a worksheet along with this video. Kindly solve the questions given in the worksheet so that you can make more understanding about this chapter. Thank you, be happy, and safe.